नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, अब तो मतलब बिल्कुल परवान चढ़ गया है इलेक्शन और धुआंधार मीटिंग हो रही है। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि एक अकेला सब पर भारी को थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि वो अकेले हैं, उसके पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। जबकि थोड़ी लग्जरी विपक्षी इंडिया अलायंस को यह है कि कल का मैं बताऊं, कल ये जब मोदी जी बोल रहे थे तो एक तरफ राहुल गांधी स्टालिन कोयम्बटूर में बोल रहे थे, अखिलेश यादव पीलीभीत बोल रहे थे, ममता बनर्जी कूचबिहार बोल रहे थे, तेजस्वी यादव कहीं, मतलब वो इनके पास चौतरफा लोग हैं जिसका जवाब ये नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो ज्यादा एक महत्वपूर्ण बात है कि कल हिंदू में सब ने वो एक सर्वे पढ़ा जो सीरियस लोक नीति का सर्वे है, वो उस पर मैं आपसे इसलिए समझना चाहता हूँ कि आप बहुत दिनों तक आपने इन लोगों के साथ काम किया, इनकी कितने साइंटिफिक हैं, कितनी जमीनी बात करते हैं, एक तो इस पे बताइए। और मुद्दे तो लोक नीति और सीएसडीए के अनुसार बिल्कुल फर्क है और मोदी जी बिल्कुल फर्क मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा एक उस पर जरा आपका एक वक्तव्य हो जाए। देखिए, पहली बात तो सर्वे के बारे में थोड़ी तकनीकी जानकारी मैं दूंगा। ये सर्वेक्षण प्रोफेसर संजय कुमार के नेतृत्व में हुआ, जो कि सीएसडीएस का जो एक चुनावी अध्ययन का विभाग है लोक नीति, उसके निदेशक भी हैं और हमारे पुराने मित्र भी हैं। मैंने उनके साथ काफी काम किया है और जो चुनावी सर्वेक्षण पद्धति पर उनकी जो विशेषज्ञता है उससे काफी कुछ सीखा भी है। इसमें खास बात यह है कि ये जैसे आमतौर पर चुनावी ओपिनियन पोल होते हैं वैसा नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया किस पार्टी को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, उनको सीटों में तब्दील करके हम लोगों के सामने परोसा गया हो। वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, उससे भी चुनाव के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें वो जनता के पास गए और एक बड़ा सैंपल बनाया, 10,000 से ज्यादा का सैंपल बनाया और जनता के पास गए और उससे कहा, जनता से पूछा कि उनकी निगाह में चुनाव का, उनके दिमाग में चुनाव का कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है, वो मुख्य तौर पर चुनाव का केंद्रीय मुद्दा किस बात को मानती है। इससे ये पता लगता है कि जनता सोच क्या रही है, राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं, नेता लोग क्या कह रहे हैं, एक अलग बात है मतलब, लेकिन जनता क्या सोच रही है कि चुनाव चुनाव का क्या मुद्दा है इस वक्त। तो उसके सर्वे के जो कुछ आंकड़े हैं जो पहले से प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ टीवी चैनलों पर उनकी चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूं कि पब्लिक इंडिया जिस तरह का चैनल है उसके मंच पर इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि जनता क्या सोच रही है और नेता क्या दिखा रहे हैं और मीडिया क्या दिखा रहा है, इससे उसका फर्क नजर आता है। अब आप देखिए, उनसे जनता से सवाल पूछा गया सैंपल में जो 10,000 से ज्यादा लोग थे, उनसे सवाल पूछा गया कि 2024 में कौन सा मुद्दा चुनाव में हावी रहेगा। अब जवाब क्या मिला सुनिए आप। बेरोजगारी को 27% लोगों ने कहा कि ये मुद्दा हावी रहेगा, महंगाई पर 23% लोगों ने कहा कि ये मुद्दा हावी रहेगा, भ्रष्टाचार पर केवल 8% लोगों ने कहा कि ये मुद्दा हावी रहेगा, हिंदुत्व को केवल 2% लोगों ने कहा कि ये मुद्दा हावी रहेगा, राम मंदिर पर केवल 8% लोगों ने कहा कि ये मुद्दा हावी रहेगा, और हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या है जिसका मोदी जी बहुत प्रचार करते हैं कि उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान बहुत मजबूत हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय छवि केवल 2% लोगों ने कहा कि वो मुद्दा हावी रहेगा, आरक्षण पर भी 2% लोगों ने कहा कि मुद्दा हावी रहेगा। यानी जो मोदी जी के विरोध में लोग हैं इंडिया गठबंधन वाले, ये लोग आरक्षण और जातिगत जनगणना वगैरह ये सवाल उठाते हैं, आम लोगों के मन में ये मुद्दा भी नहीं है, आम लोगों के मन में हिंदुत्व भी नहीं है, आम लोगों के मन में अंतर्राष्ट्रीय छवि का सवाल भी नहीं है, आम लोगों के मन में राम मंदिर भी नहीं है और भ्रष्टाचार भी नहीं है जिसको मोदी जी मुद्दा बनाना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी, 27% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, 23% लोग कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा रहेगा। अब लोग जो ये बात कहते हैं इसका डिसएग्रीगेशन अगर किया जाए, इसको खोल के देखा जाए, तो वो कौन लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं। और प्रोफेसर साहब एक चीज और रेखांकित कर दूं, 50% लोगों के लिए महंगाई और बेरोजगारी ही मुद्दा, 50% बिल्कुल सही, ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब इसमें भारत में नौकरी मिलना मुश्किल है या आसान है, इसमें 62% लोग कह रहे हैं कि भारत में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, आसान कहने वाले लोग केवल 12% है। अब उसमें किसने माना है कि भारत में नौकरी मिलना मुश्किल है कि आसान है, उसमें गांव के लोग 62% ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि भारत में नौकरी मिलना मुश्किल है, 59% शहर के लोग कह रहे हैं,
65% महानगर के लोग कह रहे हैं, 59% महिलाएं कह रही हैं, 65% पुरुष कह रहे हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा सा महंगाई पे भी आ जाइए। भारत में महंगाई बढ़ी या घटी? पहले से ज्यादा बढ़ी, 62% लोग कह रहे हैं। हालात पहले से कम हुई, केवल 12% लोग कह रहे हैं। यानी आप देखिए, नौकरी वाले सवाल पर और महंगाई वाले सवाल पर सरकार के पक्ष का समर्थन करने वाले लोग 12% ही है, ना उधर 12% ज्यादा है ना इधर 12% ज्यादा है। अब कितने लोगों ने मांगा कि महंगाई बढ़ी है? गरीबों में 76% लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। मिडिल क्लास कह रहा है 66% महंगाई बढ़ी है। उच्च वर्ग कह रहा है 68% महंगाई बढ़ी है। गांव के लोग कह रहे हैं 72%, 69% शहर के लोग कह रहे हैं और 66% महानगर के लोग कह रहे हैं। अब एक सवाल यह भी पूछा गया कि इस देश में महंगाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार कौन है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो 26% लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है और 12% लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार जिम्मेदार है। दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं इसको 56% लोग कह रहे हैं। यानी आप देख लीजिए, देश भारत में 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और राज्यों में भी अधिकतम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। डबल इंजन की, खासतौर से अगर आप दक्षिण भारत को थोड़ा एक अपवाद माने तो बाकी पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में, यहां तक कि उत्तर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में सरकारें हैं। इसका मतलब यह है कि लगभग 100% लोग ये मानते हैं कि महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई गई सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो केंद्र में शासन कर रही हो या वो राज्य में शासन कर रही हो। अच्छा, अब ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े हमें एक चीज और सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि जब जनता के दिमाग में ये मुद्दे हैं तो मोदी जी इन मुद्दों के ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? भाई मोदी जी क्यों नहीं लड़ रहे इन मुद्दों पर चुनाव? भ्रष्टाचार को तो 8% से ज्यादा लोग मानते ही नहीं है कि भ्रष्टाचार इस चुनाव का मुद्दा होगा। मोदी जी क्यों बार बार अपने भाषणों में, उनके समर्थक जो टीवी पे उनके समर्थन में कलाबाजियां खाने वाले तथाकथित निष्पक्ष विश्लेषक होते हैं वो, और उनका जो पूरा चुनाव, उनका जो पूरा प्रचार है और उनके जो सहयोगी दल हैं, वो बार बार इस बात को क्यों कह रहे हैं? इस पे भी सोचने की बात है। और पूरा का पूरा जो मोदी समर्थक मीडिया है, इसको मैं सरकारी मीडिया कहने लगा हूं, अब केवल दूरदर्शन सरकारी नहीं रहा है, ये मीडिया भी सरकारी हो गया है, दोनों मिलके एक हो गए हैं, ये सब लोग लगातार ऊंची आवाज में छत पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि भ्रष्टाचार ही मुद्दा है, क्योंकि मोदी जी ने उसको कह दिया है। मोदी जी बार बार, मेरी बहुत सरल जवाब है मेरा, मोदी जी बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे किसी तरह उसके पीछे छिप जाएं। अगर ये मुद्दे उसके पीछे छिपे नहीं और लोगों के दिमाग को आंदोलित करते रहे तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इसमें देश के बहुत मतदाताओं का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने जा रहा है। और चूंकि देखिए, हर मामले में ना 12% से ऊपर सरकार का समर्थन नहीं दिखाई पड़ रहा है, और पिछली बार 2019 में 37.8% उन्हें वोट मिले थे, इसमें एनडीए के वोट भी अगर जोड़ लिए जाए तो 40% से कुछ थोड़े से ज्यादा वोट आपको भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक दलों को मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों पे इनका समर्थन का जो प्रतिशत है वो केवल 12 है। यानी जो महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा मान रहे हैं लोग और केंद्र सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं और राज्य और भाजपा शासित राज्य सरकारों को जिम्मेदार मान रहे हैं, कुल मिलाकर भाजपा पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं, ऐसे लोगों में वो जो 40% इनका आधार है, उस आधार का भी बड़ा हिस्सा, यानी 28% से ऐसे ज्यादा लोग वो हैं जो उन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। ये मैंने एक मोटा मोटा विश्लेषण किया है, इसको और बारीकी में जाएंगे तो और इसकी जो है वो बारीकियां समझ में आएंगी। लेकिन इसका मतलब हम इस क्षण में ये नहीं निकाल लेना चाहिए कि सारे लोग भाजपा के खिलाफ वोट कर देंगे। लेकिन मेरा कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में जब लोगों की राजनीतिक चेतना सब काफी ऊंची होती है, मतलब राजनीतिक चेतना इस मौके पर सबसे ज्यादा ऊंची होती है और लोग निरक्षीर विवेक कर रहे होते हैं, विश्लेषण कर रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कौन सही है कौन सही नहीं है, ऐसी स्थिति में मतदाता ये सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी एक सरकारी पार्टी के तौर पर इस देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक दो चीजें और आपसे समझना चाहूंगा।
मोदी जी के जो अभी के भाषण पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं, वो मतलब मैं, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, मैं उसको जरा डिटेल भी समझा दूं। कभी कभी लगता है कि मोदी जी खुद कंफ्यूज हैं, फिर कभी कभी लगता है मोदी जी सामने वाले को कंफ्यूज करना चाहते हैं, क्योंकि मछली खा रहे हैं, सावन में सजा याफ्ता जाके मटन खाते हैं। अरे सावन का इतना याद होता तो राम जन्मभूमि का वो नहीं रखे होते, शिलान्यास नहीं किए होते चौमासे में। मछली, मुगल, मटन, मालूम नहीं कहाँ कहाँ का न सिर न पैर की बातें कर रहे हैं। ये खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि सामने वाले को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है। मैं जरा इस पे आपसे एक टिप्पणी चाहूँ। नहीं नहीं आप मेरे सवाल, आपने प्रश्न पूछा उसी में आपने जवाब भी दे दिया है उसका। देखिए इन लोगों की हर तरह से कोशिश ये है कि बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। एक तो भ्रष्टाचार, उसका भ्रष्टाचार के जरिए प्रमुख औजार है उनका ध्यान भटकाने के लिए। दूसरे बीच बीच में वो सनातन का सवाल, धार्मिक प्रश्न, कर्मकांडीय सवाल, ये तमाम प्रश्न भी उठाएंगे। जैसे कि उन्होंने तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी के वीडियो को लेकर उन्होंने ये सब जो किया है, और उसका बड़ा, देखिए आम युवाओं में इस चीज का बहुत मजाक बन रहा है। अगर आप आज के जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं या सेकंड टाइम वोटर हैं, आप उनको अगर देखें तो वो, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रश्न उठाया है इसको लेके उन्होंने कोई भाजपा के प्रति हमदर्दी उनकी नहीं बढ़ी है। ये सारे के सारे प्रयास जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी पिच है उसको और कमजोर करने वाले प्रयास हैं। अब समस्या क्या है कि जो सरकारी मीडिया है, सरकारी मीडिया इन सब बातों को छिपाता है, इन सब बातों को सामने नहीं आने देता है। तभी तो आप देखिए कि जो लोकनीति का ये सर्वेक्षण है, ये किसी टीवी चैनल पर प्रकाशित नहीं, प्रसारित नहीं हुआ। ये किस में छपा है? हिंदू अखबार में छपा है, जो अंग्रेजी का अखबार है, मद्रास का अखबार है और वामपंथी रुझानों वाला अखबार माना जाता है एन राम की वजह से, उसमें छपा है। तो इसलिए इस मुद्दे को मुझे लगा के है कि हम लोग चूंकि हिंदी मीडिया में है तो हम लोगों को इस मुद्दे को लाना चाहिए कि दरअसल वोटर क्या सोच रहा है और सरकारी प्रचार और मोदी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार उस सोच को किस तरीके से पृष्ठभूमि में फेंकना चाहता है और उसके आगे कुछ और अपना चुनाव रखना चाहता है। मैं प्रो साहब एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जो, क्योंकि वो पिछले पिछले हफ्ते संडे को ही इस बार उस पर बात कर ले, राहुल गांधी ने एक टर्म बोला और वो हैदराबाद में थे, उन्होंने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और फिर उसके बाद उस पर चल रहा है कि भाई फिर नेशनलाइजेशन की बात हो रही है या सारे लोगों को अंत्योदय के तरह बात हो रही है कि भाई ये किसके लिए पॉलिसीज बनती हैं, उस पर बहुत सी डिबेट होने लगी है। तो ये एक उचित डिबेट मेरे हिसाब से, क्योंकि बात ये मुद्दा उठाया गया है कि ये देश क्या 2-4-5 पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए ही है, या इसका जो भी अगर तरक्की होती है तो उसका उसका जो भी पुण्य है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और कहीं कहीं वो हमने और आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में चर्चा की थी पब्लिक इंडिया के मंच पर, जी, जी, जी। उसमें एक कंसेप्ट निकल के आया है उस घोषणा पत्र में बड़े स्पष्ट रूप से, वो है नव संकल्प इकोनॉमिक पॉलिसी। ये पहली बार देश में किसी पार्टी ने कहा है कि वो सत्ता में अगर आएंगे तो पूरी अर्थनीति में परिवर्तन करेंगे, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये इसके मुताबिक है। राहुल गांधी और इस उनके इस दावे में जो घोषणा पत्र मौजूद है एक साम्य है, दोनों में एक तारतम्य है। इस तारतम्य को हम लोगों को देखना चाहिए। ये बहुत दिनों बाद किसी राजनीतिक दल ने ये वायदा किया है। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि 1990 के बाद में किसी राजनीतिक दल ने, कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दीजिए, उनको छोड़कर किसी राजनीतिक दल ने स्पष्ट रूप से ये कहा हो कि वो एक नव संकल्प इकोनॉमिक पॉलिसी लाना चाहते हैं। और जिस तरह के वायदे किए हैं राहुल गांधी ने अपने घोषणा पत्र में, उन वायदों को पूरा ही नहीं किया जा सकता अगर आप अर्थव्यवस्था के स्तर पर कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर आप एक दर्जन भर पूंजीपतियों का समर्थन करने वाला जो क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है, इस क्रोनी कैपिटलिज्म को आप वास्तव में, जिसे कहते हैं नहीं, एक एक स्वस्थ पूंजीवाद स्वस्थ होता नहीं है, उसमें हमेशा विकृतियां होती हैं, लेकिन फिर भी क्रोनी कैपिटलिज्म तो विकृतियों की चरम सीमा है। आप कम से कम पूंजीवाद के एक हिस्से को धो पोंछ के साफ कर सकते हैं अगर उसे आप क्रोनी कैपिटलिज्म से मुक्त कर दें। तो राहुल गांधी अगर इस इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं तो वो उनके घोषणा पत्र में किए गए संकल्प के मुताबिक है,
और ये बहुत दिनों बाद हो रहा है और ये इसलिए प्रभावी होगा, मुझे तो धीरे धीरे बहुत यकीन इस पर बढ़ता जा रहा है, ये इसलिए प्रभावी होगा कि ये एक ऐसा चुनाव है जो कि घोषणा पत्र केंद्रित होगा। जी जी, देखिए भाजपा ने तो घोषणा पत्र दिया नहीं है, भाजपा ने अभी तक घोषणा पत्र दिया नहीं है, अभी तक वो कांग्रेस के घोषणा पत्र की काट करने वाले घोषणा पत्र के लिए अंधेरे में टटोल रहे हैं, क्योंकि और ये असामान्य चुनाव, असामान्य चुनाव नहीं है। इसमें कहीं पहले चुनाव पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का साया था, दूसरे चुनाव पर बालाकोट स्ट्राइक का साया था, इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है। इस चुनाव में मोदी जी पहली बार अपने सर, अपने जो उन्होंने गवर्नेंस दी है, जिस तरह अर्थव्यवस्था चलाई है, जो कुछ भी किया है, उसकी पहली बार विभिन्न कसौटियों पर परीक्षा होगी। और कांग्रेस मैंने एक और चीज देखी कि जो भी दल है वो अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते जा रहे हैं, मतलब कांग्रेस ने किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने 6 वादे किए हैं कि भाई हम बिजली और मोहल्ला क्लिनिक और इस तरह की बात, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने अपना पीडीए और वो उसको किया है, आरजेडी ने कल कर दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पार्टी क्लैरिटी उनके पास है और वो डिलीवरी क्या करेंगे कर रहे हैं। मैं एक चीज पर और आपका ध्यान जरा पूछना चाहता हूँ, कल मुझे मतलब जो हम सब लोग इस पे चर्चा कर भी चुके हैं, संजय सिंह कल लखनऊ आए और संजय सिंह लखनऊ आके उन्होंने कोई आम आदमी पार्टी का एजेंडा बात नहीं की, वो अखिलेश यादव से मिले और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, जहां पे भी आपको जरूरत हो हम हैं और हमारी पार्टी का उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को अनकंडीशनल सपोर्ट हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये एक व्यक्ति, कभी कभी लगता है ना एक व्यक्ति क्या करेगा, लेकिन एक व्यक्ति भी अगर काम करने लगे तो वो बहुत से लोगों को रास्ता दिखाने लगता है। मैं इस पे भी एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं नहीं, ये भाई देखिए, इंडिया गठबंधन को कैसे चलाया जाना चाहिए इसका एक नमूना है ये। देखिए आज हिंदुस्तान टाइम्स में राहुल वर्मा का एक बड़ा विश्लेषण छपा है, संपादकीय पेज पे दूसरा लेख है, राहुल वर्मा सेंटर फॉर द पॉलिसी स्टडीज में है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने दिखाया है कि अखिलेश ने बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठजोड़ करने की कोशिश क्यों नहीं की और हमेशा वो उसको नकारते क्यों रहे कि गठजोड़ नहीं होना चाहिए। तो उसमें वो दिखाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अपना जनाधार जो है ना वो लगातार कमजोर हो रहा है और 2019 में यहां तक कि अपने जनाधार का वोट के वोटों का ट्रांसफर करने की क्षमता भी मायावती कमजोर हो गई है, ये 2019 के चुनाव में भी स्पष्ट हो गया था। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का पिगी बैक, समाजवादी पार्टी की पीठ पर सवार होकर उन्होंने 10 सीटें जीती, ये अखिलेश ने देख के समझ लिया। तो उन्होंने कहा इस बार हम मायावती को अपना समर्थन का फायदा नहीं लेने देंगे, इनका समर्थन आधार तो हमें तो उसका लाभ मिला नहीं। और ये लोकनीति के डेटा से भी, पोस्ट पोल डेटा से भी साफ होता है, इसको हम लोग कई बार चर्चा उसके ऊपर कर चुके हैं। तो बिल्कुल मायावती को इसलिए उसमें नहीं लिया गया और स्थिति ये बनती है कि अब वहां पर इंडिया गठबंधन ठीक से काम कर रहा है, वो जैसा भी है, जो भी उसकी शक्ति है, ठीक से काम कर रहा है। और मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे वैसे विपक्ष के जनाधार में कुछ ना कुछ इजाफा ही हो रहा है। मैं एक और जगह आपसे पूछना चाहूंगा, मोदी जी कल या परसों मेरे ख्याल में उधमपुर में थे और कश्मीर, वहां से जो मोदी जी जो बातें करते हैं, मोदी जी या तो उनकी याददाश्त कम है और जैसा मैं फिर कहता हूँ वो मतलब मैं कुछ बोल दूंगा आप कुछ सुन लेंगे, कश्मीर में जाके अगर आप बार बार हुंकार भर रहे हैं और पेपर की हेडलाइन है कि मोदी जी ने कहा कि आपको स्टेटहुड दिलाना है, आपका स्टेटहुड करना है और आपके यहाँ इलेक्शन होने हैं, ये तो लग रहा था कोई विपक्षी कह रहा है कि आपकी स्टेटहुड दिलाना है और आपके किसने स्टेटहुड उनसे छीनी, कौन इलेक्शन नहीं करा रहा है, इलेक्शन भी आप इसलिए कराने की बात कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर तक आपको वहां के इलेक्शन हो जाने चाहिए, साथ में क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे हैं इस पे आप कुछ नहीं बोल रहे। मैं थोड़ा एक कश्मीर वाले मुद्दे पे, तो ये अगर ये कह रहे हैं तो जो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर घाटी में अपना बीजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ा रहे हैं, मैं थोड़ा इस पे भी देखिए असली इसमें है क्या कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कश्मीर नीति है उसकी विफलताओं को लोगों के सामने नहीं रखा जाता है, उसकी केवल सफलताओं को या जो विफलताएं हैं उन पर लीपा पोती करके
इस तरह की बातें कही जाती हैं कि अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है, अब आतंकवाद की घटनाओं पहले इतनी ज्यादा थी, अब उसमें 10 कम हो गई, 15 कम हो गई, इस प्रकार की एक व्यर्थ की आंकड़ेबाजी की जाती है जो दरअसल वहां की वास्तविक स्थिति का बयान नहीं है। वहां पर इन्होंने कश्मीर के पूरी राजनीतिक संरचना जो थी उसको उन्होंने पूरी तरह लोकसभा में अपने बहुमत, लोकसभा राज्यसभा में अपने बहुमत के जरिए बदल दिया, और विपक्ष भी उसका विरोध नहीं कर पाया। ये सही बात है, यहां तक कि विपक्ष ने भी मोटे तौर पर उसके अंदर भागीदारी, मोटे तौर पर उसने इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने उस प्रक्रिया में भागीदारी भी की, लेकिन इन्होंने जो वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदे पे ये खरे नहीं उतर पाए। आज तक कश्मीरी पंडितों का कोई पुनर्वास की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। अब तो बहुत समय हो गया, कितना समय आपको और चाहिए इस काम को करने के लिए? आपने जो स्टेटहुड देने का वायदा किया था, राज्य का दर्जा देने का वायदा किया था, आप उसमें भी पूरी तरीके से नाकाम रहे। आपने वहां पर जो राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने का वायदा किया था, आप उसमें भी पूरी तरीके से नाकाम रहे। और आज भी मैं तो कहता हूं कि जब इन्होंने कश्मीर का राजनीतिक चरित्र बदला नहीं था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अच्छी तैयारी में थी कि वो कश्मीर घाटी में अपना उम्मीदवार लड़ाएगी। उन्होंने कम से कम वहां के शिया इलाके जो है उनके अंदर काम करना शुरू कर दिया था, तो कुछ कुछ ना कुछ उन्होंने अपना आधार बनाने की कोशिश की थी। ये किरदार जो कश्मीर का जो राजनीतिक किरदार बदला है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिशें की थी वो भी सिफर हो गई। केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी की ही कोशिशें सिफर नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था वो भी, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पता है कि कश्मीर में राजनीति कैसे की जाएगी, कुछ नहीं मालूम है इन लोगों को। यानी कश्मीर में आज तक उस क्षण के बाद जो कि लोकसभा और राज्यसभा में घटा था उसके बाद से कश्मीर एक तरह के गतिरोध का शिकार हो गया है, एक तरह के राजनीतिक प्रशासनिक और चुनावी गतिरोध का शिकार है। उस गतिरोध को तोड़ने में ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, और वहां की जो राजनीतिक शक्तियां हैं, जो पारंपरिक राजनीतिक शक्तियां, उन्हें भी नहीं पता है कि अब हम राजनीति कैसे करेंगे। पहले जो इस्तेमाल किए जाने वाले सारे फिक्रे थे, जो बातें थी, जो मांग थी, जो आग्रह थी, जो बहस होती थी, वो सब अप्रासंगिक हो गई है। नया काम कैसे होगा, नई राजनीति कैसे होगी, ये कश्मीर में किसी को नहीं पता है। इस तरह कश्मीर को इस सरकार ने एक तरह के टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया है, और वो टाइम कैप्सूल वही है उस क्षण में जब कश्मीर का राजनीतिक किरदार बदला गया था, आज तक वैसा ही है। इसीलिए वो इस तरह से जाते हैं वहां पर, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे विपक्ष ने उनको रोक रखा होगा, आप राज्य का दर्जा कैसे देंगे, विपक्ष ने रोक रखा होगा वहां चुनाव कैसे कराएंगे, इस तरह की वहां पर बातें करते हैं। मोदी जी से कोई पलट के सवाल तो कर नहीं सकता है, मोदी से कौन जिन्हें कर सकता है। आप देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में, मिंट में और हिंदी के हिंदुस्तान में एक एक पेज बड़े नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू छपे हिंदी और अंग्रेजी में, देख के ही लगता है कि सवाल भेजे गए हैं और जवाब लिख के आए होंगे, और उन जवाबों को छाप दिया गया है। वैसे के वैसे बीच में मोदी जी की एक भव्य तस्वीर छाप दी गई है, आप उसको पढ़िए। उसमें एक तो आश्चर्यजनक बात है, मोदी जी कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जितने भ्रष्टाचार के मसलों की जांच कर रही है उसमें राजनीतिक नेताओं के खिलाफ केवल 3% मसले हैं। अब आंकड़ों की दृष्टि 100% गलत है। अब कोई उसे पलट कर नहीं पूछ सकता है कि आप या तो झूठ बोल रहे हैं या आप या गलत फहमी में हैं, या तो आप गलत आंकड़ा दे दिया गया है या आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। कोई उनके सामने सही आंकड़े नहीं रख सकता है। वो पत्रकार तो रख ही नहीं सकते हैं जो तथाकथित रूप से उस इंटरव्यू को लेते हुए दिखाए गए हैं। तो ये स्थिति है। तानाशाह जो है उससे कोई कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, और वो वही बात सुनता है जो बात वो सुनना चाहता है। साहब एक और बहुत मतलब वो टची मुद्दा है, मैं जनरली जब वो मुद्दा आया तो मैं शुरू में मुझे लगा कि ये सब मुद्दे नहीं हो सकते। मैं बात कर रहा हूँ जो केंद्रीय मंत्री रूपाला जी ने एक कंट्रोवर्सी राजकोट में खड़ी कर दी। वो राजपूत, उससे ऐसा कहा जा रहा है कि राजपूत उससे बहुत नाराज है। इनिशियली मैं आपको बताऊं, जब मेरे पास बहुत कुछ फोन आने शुरू हुए कि इस पे, मुझे लगा ये जात आत को मैं मानता नहीं हूं, मुझे लगा कि इस पे क्या भाई इस पे। लेकिन अब वो इतना आसान नहीं रह गया। अब मैं राजस्थान से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, इन सब जगहों से काफी लोग आंदोलित हैं, और मैं जिस समाज में उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं भाई ऐसे कैसे कह सकते हैं। अच्छा, लोगों का एक ये है कि मोदी जी के खास आदमी हैं, यही उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी जवान पे लगाम नहीं है और उनका कैंडिडेचर नहीं चेंज हो रहा। और जो नारे लगे हैं, कुछ लोगों ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी जी को भेजा गया था मैनेज करने के लिए, तो वहां जो नारे लगे कि योगी तुझसे बैर नहीं, दिल्ली तेरी खैर नहीं, लोगों की हिम्मत मोदी का नाम लेने की नहीं थी। लेकिन क्या ये भी कोई एक फैक्टर है? मतलब
मैं तो अभी तक धीरे धीरे बनता तो जा रहा है। मैं भी इस पे निगाह रखे हुए हैं, अन्य जगहों पे जहां कहीं मेरी चर्चा होती है वो लोग इस बात को बहुत जोर शोर से उठाते हैं। जब तक ये केवल गुजरात के जो क्षत्रिय हैं उनका मसला था तब तक ये छोटा मसला था, और लगता था कि वहां किसी एक निर्वाचन क्षेत्र का की समस्या है, जो पुरुषोत्तम रूप उनकी समस्या है जिन्होंने वक्तव्य दिया था। लेकिन उसके बाद ये राजस्थान में भी इसकी अनुभूति सुनाई पड़ी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी अनुभूति सुनाई पड़ी है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो टिकट दिए हैं उसमें पहले क्षत्रिय उम्मीदवारों को टिकट मिलते थे, उनकी संख्या ठीक ठाक होती थी। इस बार शायद एक या एक दो को छोड़ के बाकी सब काट दिए, उसमें जनरल वीके सिंह का टिकट भी काट दिया गया है। तो वो एक ऐसी स्थिति है जो एक इस तरह की चर्चा होने लगी है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में कि अगर इस बार भाजपा के ये सब नॉन गैर क्षत्रिय उम्मीदवार पूरी तरह जीत गए तो हो सकता है कि अगली बार वो योगी का भी पत्ता साफ कर दिया जाए, और योगी की कुछ चली नहीं है टिकट बांटने में। इस तरीके से ये बात ये चर्चाएं भी चल रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे हम लोगों को निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि आमतौर पर यह भी होता है कि कुछ समुदाय शुरू में नाराज दिखते हैं लेकिन धीरे धीरे उनकी नाराजगी को प्रबंधित कर लिया जाता है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कुशल भी है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की नाराजगी को इसी तरीके से प्रबंधित किया गया था, अंततः सब ब्राह्मणों ने उन्हें फिर वोट दे दिए। एक हद तक जाटों की नाराजगी के एक हिस्से को भी, जाटों ने फिर भी वोट दिए थे भाजपा के खिलाफ, लेकिन फिर भी उनको कुछ हिस्से को उन्हें प्रबंधित किया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी प्रबंधन की इस कला में माहिर है। तो मैं अभी नहीं आज इस मुकाम पर नहीं कह सकता कि क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, राजपूत समाज वोट नहीं देगा। राजपूत समाज खासतौर से उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व के तहत वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही निष्ठावान समर्थक बन गया है और बहुत उत्साह से समर्थन करता है, बहुत बड़ा झंडा बरदार है। अब तो जो है तो पहली बार मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल में कि उसकी झंडा बरदारी में एक दरार पड़ी है। ये तो इस पर ध्यान इसको ध्यान से देखना होगा। नहीं, क्योंकि जात की बात जब करें तो मैं मुलायम सिंह जी के जमाने में देखता था कि मैं मेजोरिटी बोल रहा हूँ, मैं सब नहीं, एक राजपूतों के कुछ नेताओं का रुझान नेचुरली मुलायम सिंह जी के प्रति बहुत रहता था। वो सही कह रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी के बाद वो सारे, और वो सारे का जो अपर कास्ट अपने को है सब बीजेपी के साथ चले गए। देखिए समाजवादी आंदोलन में सामाजिक न्याय की राजनीति में, गांधीवाद में और सर्वोदय की राजनीति में काफी अच्छे राजपूत नाम थे। खासतौर से जिस इलाके से मैं आता हूँ, जो जमुना चंबल का इलाका है, उस इलाके में कुछ, उस इलाके ने कुछ अच्छे सर्वोदयी नेता दिए और वो हम लोगों के पारिवारिक मित्र थे। वो सब लोग उनका हिंदुत्व की राजनीति वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं था, वो गांधी और विनोबा में आस्था रखते थे और जयप्रकाश नारायण में आस्था रखते थे। इसी तरीके से हमारे इलाके के कई अच्छे वरिष्ठ पुराने जमींदार और पुराने राजा ठिकानेदार, ये लोग मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के समर्थक थे और खुल के मंच पर खड़े होकर ये सब समर्थन किया करते थे, कांग्रेस में जाने की बजाय वहां पर जाया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद जो उभार हुआ है उसने क्या किया है कि एक तो ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच में जो एक राइवलरी होती थी स्वाभाविक, उस प्रतिद्वंदिता को खत्म कर दिया और दोनों की राजनीतिक प्राथमिकताएं एक कर दी। बाकी प्रतियोगिता रही होगी, रह गई होगी सामाजिक स्थानीय स्तर पर, लेकिन उनके बीच की जो एक राजनीतिक प्रतियोगिता थी उस राजनीतिक प्रतियोगिता को उन्होंने मोटे तौर पर खत्म कर दिया। और इधर आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद में राजपूत बहुत जम के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। ये परिस्थिति पिछले विधानसभा चुनाव में बिगड़ते हुए लगी थी, शायद ब्राह्मण नाराज हैं इसलिए बिगड़ेंगे। यो ठाकुर तो बहुत पूरी तरीके से सख्ती के साथ भाजपा के साथ थे, लेकिन अब वो चीज ठाकुरों में दिखाई पड़ रही है कि शायद उनकी नाराजगी से कुछ फर्क पड़े। लेकिन फिर भी मैं अभी मानने को तैयार नहीं हूं कि वो भाजपा के खिलाफ वोट करने के बारे में सोच रहे हैं। और प्रोफेसर साहब एक अंतिम प्रश्न, जैसे मोदी जी अजीब कंफ्यूज हैं, उसी तरह से एक और व्यक्ति स्मृति ईरानी जी जब मुंह खोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो बीजेपी का नुकसान कर रही है। वो फिर वो उनके उनको राहुल गांधी शायद सपने में आते हैं, सुबह जब उठते हैं तो उनको, अब वो कह रहे हैं राहुल गांधी अमेठी के लिए भारी व्यक्ति हैं, उन्होंने यहाँ का कुछ नहीं किया और वो यहाँ से भाग गए और वो यहाँ के हैं ही नहीं। ये सारी चीजें अगर वो जब कहती हैं तो मोदी जी के ऊपर भी लागू हो जाते हैं गुजरात के संदर्भ में। तो मुझे ये लगता है कि ये तो बहुत आम, जब मेरे दिमाग में आ रहा है, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा है,
स्मृति ईरानी जी का मुझे लगता है अब उनका उनको बताना चाहिए कि आप इस पर बोलना खत्म करिए, ये नुकसान हो रहा है बीजेपी। देखिए स्मृति ईरानी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में केवल एक काम ऐसा किया है जिसको मैं मान सकता हूं कि कहा जाए कि वो राजनीतिक रूप से सफल रहे, एक काम सिर्फ किया, वो है अमेठी का चुनाव जीतना। इसके अलावा उन्होंने कोई एक भी काम ऐसा नहीं किया है इसमें कहा जाए कि उन्होंने उनको उनको राजनीतिक रूप से कामयाब माना जाए। उनको मानव संसाधन मंत्री बनाया गया था, नरेंद्र मोदी ने बनाया था, जो उनकी राजनीतिक हैसियत है उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ा पद था। सभी लोग मोदी के समर्थक अमर्थक भी सब बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, सब लोग मानते थे अगर मोदी जी उनको कहीं मंत्रिमंडल में लाना चाहते हैं तो उनको राज्य मंत्री बनाया सकता, लोग कैबिनेट रैंक दी गई उनको, उसमें वो विफल रही, वो मंत्रालय उनसे छीना गया। अभी वो एक इस तरह के मंत्रालय में है जो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और उसकी ज्यादा कोई चर्चा नहीं होती है। एक तरह से मोदी जी ने उनको जब कमजोर फील्डर होता है तो क्रिकेट का कप्तान उसे ऐसे कोने में खड़ा कर देता है जहां गेंद जाती नहीं है, तो वहां पर छिपा रहता है वहां पर है। तो इसी तरह से उन्हें जहां गेंद जाती नहीं है ऐसी जगह पर रख दी है। अब लेकिन उनको बोलना है, अपने महत्व को उन्हें दिखाना है, तो उसके लिए इस तरह की तमाम बातें करती हैं और इस तरह की बातें करने में नुकसान होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।